नमस्कार, मैं उमेश कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ये बायोलॉजी के सभी प्रकार के सिलेबस को फॉलो करता है। याद रखेंगे आप लोग, चाहे CBSE पैटर्न वाले हो, चाहे NCERT हो, या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड वाले हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साइंस की स्टडी करने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये पॉइंट, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक विकार और लिंग संलग्न वंशागतिकी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो शुरू करूं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल में आपको साइंस, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आपको देखने और पढ़ने को मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉइंट, म्यूटेशन। पहले म्यूटेशन के बारे में पहले बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन होता क्या है। आपने देखे होंगे कि जनरली जो प्रोगेनी होता है, संतान होते हैं, उसमें गुण उनके जनकों से बहुत मिलते जुलते हैं। जितने भी प्रकार की क्वालिटी होती है संतान में, वो अपने जनक से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब अलग हो जाते हैं तो हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि क्या ये संतान उन्हीं पेरेंट्स के हैं जिनको हम जान रहे हैं कि वो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके जनक हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट या विरोधाभास भी हो जाता है कभी कभी। तो इन सारी विभिन्नताओं को हम लोग यहाँ पर विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं, जो या तो अनुवांशिक होते हैं या वातावरण के प्रभाव से अस्थायी रूप में परिलक्षित होने लगते हैं। क्लियर है? तो अनुवांशिक परिवर्तन स्थायी होते हैं एवं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अतः जितने भी प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, किसी भी जीव में अचानक होने वाला, कह सकते हैं आप इसको, विशाल असतत भिन्नता है जो वंशगत होता है, वह संतान जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करता है उत्परिवर्ती कहलाता है। कहने का मतलब सिंपली आप म्यूटेशन को ऐसा समझ सकते हैं, जो म्यूटेशन होता है, ये जो म्यूटेशन होता है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या बोलते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, अनुवांशिक भी होता है, और दूसरा एनवायरमेंट के वजह से भी हो सकता है। वातावरणीय प्रभाव की वजह से भी आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण इन दोनों की वजह से ही वहाँ पर वैरायटी या वेरिएशन पैदा हो जाता है, भिन्नता पैदा हो जाता है। ठीक है, ये भिन्नता का आना जो कि अचानक आता है असतत भिन्नता कहलाएगी, वंशगत होगी, इनहेरिटेंस होगी। ठीक है, तो अगर संतान में उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करता है तो वो म्यूटेंट कहलाएगा। अगर ये संतान में दिखाई देता है आपको तो ये वो संतान क्या कहलाएगा, म्यूटेंट या उत्परिवर्ती कहलाएगा, क्योंकि म्यूटेशन हो चुका है इसलिए म्यूटेंट कहलाएगा। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रिज, जो 1901 में इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर एक हेरिडिटी का या इनहेरिटेंस का प्रयोग किया था। उन्होंने प्रयोग के बाद देखा था कुछ ऐसे पौधे मिले थे जो इवनिंग प्रिमरोज से आकार में काफ़ी बड़े थे और उनके फूल भी कुछ अलग थे। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो पौधे के पुष्प बड़े थे और फूल के गुण भी कुछ अलग थे, उन सबको उत्परिवर्ती कहा, और बताया कि अचानक ही एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कुछ नए पौधे उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं तो वो उत्परिवर्तन कहलाता है और बने हुए नए पौधे उत्परिवर्ती कहलाएगा। उसका कारण यह है, उन्होंने बताया था कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो हो रहा है वो क्रोमोजोम की संख्या, नॉर्मली इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, इवनिंग प्रिमरोज वाला जो प्लांट है इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्रोमोजोम की संख्या होती है 2n = 14 होती है, 14। ठीक है, मतलब द्विगुणित अवस्था में रहती है। लेकिन जब उत्परिवर्तन से पैदा हुए बड़े पौधों को देखें, जैसे ओइनोथेरा ग्रिगेंस में क्रोमोजोम के 4 सेट होते हैं, अर्थात ये साधारण पौधे से भिन्न होते हैं और इसे टेट्राप्लाइड या पॉलीप्लाइड कहते हैं। ओइनोथेरा ग्रिगेंस जो होता है, ओइनोथेरा ग्रिगेंस इसमें जो क्रोमोसोम मिले वो 4 सेट में मिले। ठीक है, जो दर्शाता है कि साधारण पौधे से अलग है, इसको टेट्राप्लाइडी या पॉलीप्लाइडी के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन का जो कारण है, म्यूटेशन जो होता है वो सोमेटिक सेल्स और
जनन सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेल, दोनों में हो सकती है, सोमैटिक एंड जर्मिनल सेल दोनों में हो सकती है, जर्मिनल सेल दोनों में हो सकते हैं म्यूटेशन, ये याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। अगर सोमैटिक सेल्स में हो म्यूटेशन हो तो ये सोमैटिक सेल में होने के कारण उस व्यक्ति या उस जीव की मृत्यु होते ही वो जो म्यूटेंट वाला जो जीन है या ये कहें कि जो उत्परिवर्तन है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि जनन सेल से होता हुआ हो तो ये इनहेरिटेंस होता है, वंशगत की इसकी होती है, इनहेरिटेंस या वंशगत होती है, ठीक है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो हैप्लॉयड अगुणित पीढ़ी कोशिकाएं उत्परिवर्तन के लिए उपयुक्त तो होती है क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक या अधिक जीनों में हुआ उत्परिवर्तन एक या अधिक लक्षणों को प्रभावित कर सकता है या अनेक जीनों में हुआ उत्परिवर्तन सिर्फ एक लक्षण को प्रभावित करता है, ये याद रखेंगे आप लोग। इससे पहले आपने काफ़ी सारे कंटेंट इससे संबंधित पढ़े हुए हैं, पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे बहुप्रभावी और बहुविकल्पिता आपको देखने को मिलता है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कभी कभी एक या अधिक लक्षण को प्रभावित कर सकता है एक या अधिक जीन, और अनेक जीन में हुए उत्परिवर्तन भी कभी कभी एक ही लक्षण को प्रभावित करेगा, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी एक ही जीन के उत्परिवर्तन से अनेक लक्षणों पर उसका असर पड़ता है, जैसे मटर के पौधे में एक उत्परिवर्तन से फूल का रंग लाल से सफेद और बीजावरण का रंग भूरे से सफेद हो जाता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को बहुप्रभावी उत्परिवर्तन कहेंगे। उत्परिवर्तन के प्रकार में अगर हम लोग जाएंगे तो आकार के आधार पर उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। आकार के आधार पर दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इसमें जो प्रकार बनता है वो लार्ज म्यूटेशन आर मैक्रो म्यूटेशन कहते हैं इसको, मैक्रो म्यूटेशन मतलब वृहद उत्परिवर्तन। ये जो वेरिएशन होगा जो फिनोटाइप में दिखाई देगी ये वृहद उत्परिवर्तन कहलाएगी। इसके अंतर्गत क्रोमोसोम की संख्या और संरचना में होने वाले परिवर्तन आते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की नंबर एंड स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा या बदलाव होगा, ये याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। दूसरा होता है, ये तो माइक्रो था, अब ये यहाँ पर होगा स्मॉल म्यूटेशन बोलेंगे हम लोग इसको, सेकंड को स्मॉल म्यूटेशन और इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर माइक्रो म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, माइक्रो म्यूटेशन मतलब क्या होता है, सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ऐसी विभिन्नता है जो जीनोटाइप में होगी, स्मॉल म्यूटेशन जीनोटाइप में होगी। ये किसमें है, ये फिनोटाइपिक है, याद रखेंगे, यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं फिनोटाइपिक, ठीक है, फिनोटाइपिक। अब ये क्या होता है, ये जीनोटाइपिक होता है, जीनोटाइपिक, क्लियर है। जीनोटाइपिक जो होगा ये उत्परिवर्तन डीएनए या आणविक स्तर पर हुए परिवर्तन को दर्शाता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेंस होंगे, वंशागत होंगे, क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। ये तो हो गया शेप और साइज के आधार पर, शेप एंड साइज बेस, दो प्रकार पढ़े आपने। अब मैं जो बता रहा हूँ दिशा के आधार पर उत्परिवर्तन, दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, डायरेक्शन बेसिस जो म्यूटेशन होगा वो कैसे होगा, देखिए डायरेक्शन के बेस पे। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में अगर मैं इसको ऐसा एक से डिनोट करूँ तो दूसरा मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन बेसिस, दिशा के आधार पर, डायरेक्शन बेस पे अगर कहें तो इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन अग्र उत्परिवर्तन बोलते हैं जिसको हम लोग, ये उत्परिवर्तन वर्णिक गुणों से आगे की ओर होता है उसे अग्र उत्परिवर्तन कहेंगे या फॉरवर्ड म्यूटेशन कहेंगे। मटर के रंगीन पुष्प वाले वन्य पौधे से उत्परिवर्तन द्वारा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का बनना इसका एग्जाम्पल था, याद रखेंगे मटर का जो रंगीन पुष्प है उससे सफ़ेद पुष्प वाले मटर का बनना इसका एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। इसका जो सेकंड आता है वो था रिवर्स म्यूटेशन प्रतिलोम उत्परिवर्तन, जब उत्परिवर्तन जीवों से वन्य गुणों की ओर उत्परिवर्तन हो तो इसे प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहते हैं, जब उत्परिवर्तन जीवों से वन्य गुणों की ओर हो, जैसे मटर के सफेद फूल वाले पौधे से फिर से रंगीन फूल वाले पौधे प्राप्त करना, यह रिवर्स म्यूटेशन को दर्शाता है, क्लियर है। आप जनरली आपने देखे होंगे अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कंटेंट में तो म्यूटेशन
को इस प्रकार हम क्लासिफाई करते हैं म्यूटेशन को। देखिए क्लासिफिकेशन, इसको आप समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको म्यूटेशन, ठीक है। तो ये दो प्रकार में पहले मिलेगा, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन फर्स्ट, और इसका सेकंड मिलेगा जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ये दो विधि में आपको देखने को मिल सकता है, एक न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक है। और इसका जो सेकंड होता है वो होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें संख्या में बदलाव होगा, इसमें संरचना में बदलाव के द्वारा होगा, ठीक है। अगर संख्या में परिवर्तन के द्वारा देखें, जब संख्या में परिवर्तन होता है तो इसको फिर से बाद में दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूप्लॉयडी, यूप्लॉयडी, और दूसरा होता है एन्यूप्लॉयडी, एन्यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी में संख्या बढ़ती है, एन्यूप्लॉयडी में संख्या कम होती है। और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम की संरचना में जो परिवर्तन होता है, ये क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के रूप में जाने जाते हैं इसको, जिसको क्रोमोसोमल विपथन कहते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, एब्रेशन के नाम से आप जानते हैं इसको, क्रोमोसोमल विपथन के नाम से जानते हैं। डीएनए के एक एकल क्षार युग्म बेस पेयर के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देता है, आपको पता होना चाहिए। उस बिंदु को हम लोग पॉइंट ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन के लिए, उत्परिवर्तन के लिए बिंदु कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण आप देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया नामक रोग में, जिसका वर्णन मैं बाद की वीडियो में करूँगा। डीएनए के क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, सिंपल है। अगर उसका क्षार युग्म घटता है बढ़ता है तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होगा, याद रखेंगे ना, ठीक है। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों के द्वारा होता है, आपको पता होना चाहिए, और वो उत्परिवर्तन हमेशा अचानक से होता है। म्यूटाजन नाम जो दिया गया है उत्परिवर्तन जन का, या उत्परिवर्तन जन का, वो पराबैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन कर देने वाले होते हैं। पराबैंगनी किरण के प्रभाव से बताया गया है, अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है उसकी वजह से अगर कोई उत्परिवर्तन आता है तो उत्परिवर्त जन कहलाएगा, वहाँ पर म्यूटाजन कहलाएगा, क्लियर है। तो ये कंप्लीट अकाउंट हुआ आपको, मैंने अभी क्लियर किया म्यूटेशन के बारे में। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान से अवलोकन कर लेंगे आप लोग। अब मैं चलता हूँ आपके वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में, और वो होगा जेनेटिक डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, ठीक है। और ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये दो प्रकार के बताए जाते हैं अलग अलग सिलेबस के बेस पे। एक होता है पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं जिसको हम लोग, एक होता है पेडिग्री, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है पेडिग्री एनालिसिस, और इसका जो सेकेंड होता है वो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस को देख लेते हैं, वंशावली विश्लेषण बोलते हैं इसको। आपने देखे होंगे इन ह्यूमन सोसाइटी कई प्रकार के जेनेटिक्स की बात काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है, एंशियंट एज से चली आ रही है। इसका आधार ये था कि परिवार में, किसी फैमिली में जो स्पेसिफिक करेक्टर दिखाई देते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले रहना चाहिए, ऐसा अवधारणा है। मेंडल की कार्य की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षण प्रतिरूपों की वंशगति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई थी। यह स्पष्ट है कि मटर के जो पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनार्थ संकरण प्रयोग मानव में संभव नहीं है, ये याद रखेंगे आप लोग। जो मटर में एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसकी तुलना अगर मानव के एक्सपेरिमेंट से करें तो संभव नहीं है। इसलिए यह विकल्प रह जाता है कि जितने भी प्रकार के स्पेसिफिक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस है, वंशगति की है, उसके संबंध में जीनस या वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को हम लोग वंशावली या पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया में फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है, मतलब एक कैरेक्टर अगर जनक में है तो वही कैरेक्टर संतान में जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वंशावली। मानव
जेनेटिक्स में, ह्यूमन जेनेटिक्स में ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, स्टडी है, एक महत्वपूर्ण उपकरण की भांति या एपरेटस की भांति उपयोग होता है, जिसका उपयोग आजकल किसी भी प्रकार के लक्षण अब सामान्यतः रोग का पता लगाने में किया जाता है, कुछ प्रतीक का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। दूसरा होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है, ये विभिन्न प्रकार के विकार को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक भाग को हम लोग मेंडेलियन विकार कहते हैं या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, दूसरे को हम क्रोमोसोमी डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब यहाँ पर दो भाग और कर दिया गया है, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो ऊपर बताया गया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि एक जीन के उत्परिवर्तन से, म्यूटेशन से मेंडेलियन विकार निर्धारित हो जाते हैं। संतति में ये विकार उसी तरीके से पहुंचते हैं जैसे जिसका अध्ययन आप लोग इनहेरिटेंस के सिद्धांत में किए थे। इनहेरिटेंस का सिद्धांत ये कहता है कि जो गुण जनक में है वही गुण संतति में जाता है, ठीक है। इस प्रकार के विशाल विकार को या डिसऑर्डर को जो कि विशाल विकृति के रूप में रहता है, वो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा आप खोज सकते हैं, खोजा जा सकता है। इसमें जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, इसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमा आदि इसके उदाहरण में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की एग्जांपल से क्लियर करूँगा कि कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, क्लियर है। तो अभी मैंने जो बताया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड देन थैलेसीमिया, ये इसके कुछ एग्जांपल है जो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो मैं शुरू करता हूँ। सेक्स लिंक्ड एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या लिंग संलग्नता एवं लिंग संलग्न वंशगति की शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जितने भी प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, चूंकि एक पेयर होता है आपको पता है, लिंग गुणसूत्र पर केवल लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी जींस भी पाया जाता है। लेकिन बाद में जो रिसर्च हुआ, वहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आए लोगों के सामने, वो काफ़ी हतप्रभ करने वाले थे, काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाले थे कि उन गुणसूत्रों पर शरीर के फिनोटाइप को प्रभावित करने वाले अनेक जींस भी पाए जाते हैं। देखिए, ठीक है ना, मतलब जो लिंग का निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम हैं, उस पर शरीर के और दूसरे अदर टाइप्स के कैरेक्टर को प्रभावित करने वाले, जो कि फिनोटाइपिक लक्षण कह सकते हैं आप, उसको प्रभावित करने वाले भी जीन्स पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे ही समस्त जीन्स, वो कंप्लीट जीन्स जो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, लिंग निर्धारित करने वाले जींस के साथ पाए जाते हैं, तथा जीवों में लिंग प्रारूप के साथ ही वंशागति की प्रदर्शित करते हैं, सेक्स लिंक्ड जींस कहलाते हैं, अर्थात लिंग संलग्न जींस कहलाते हैं। ऐसे जींस की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति की या लिंग संलग्नता के नाम से जाना गया है। कंप्लीटली आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी प्रकार के लिंग गुणसूत्र है, सब में एक ऐसे जींस पाए जाते हैं जो दूसरे प्रकार के लक्षण को निर्धारित करते हैं। लिंग गुणसूत्र में होने के कारण लिंग संलग्न जींस कहलाएगा। वंशागति की हो रही है, एक साथ जा रही है, तो वो लिंग संलग्न की वंशागति, लिंग संलग्न जींस की वंशागति की कहलाएगी, क्लियर है। और एक साथ जा रहा है तो लिंग संलग्नता कहलाएगा। आपको पता है कि मनुष्य में एक वाई क्रोमोसोम होता है जो कि कम जींस का धारण करने वाले होते हैं, उन पर जितने भी जींस पाए जाते हैं। नर होने के लिए TDF मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जब ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बताया था, उस दौरान बताया था TDF, अर्थात जो जींस नर में होते हैं वो TDF या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और एक्सटर्नल ईयर पर पाया जाने वाला हाइपर ट्राइकोसिस या बाल बोलते हैं जिसको हम लोग, के लिए उत्तरदायी जीन प्रमुख है। आपको पता है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये याद रखेंगे आप लोग, मैंने उस लास्ट वीडियो में भी बताया उसके बारे में, ठीक है। इसके लिए उत्तरदायी जो जीन से, जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, वो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। कौन सी गुणसूत्र पर पाया जाता है, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। जो वाई क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं वो जीन्स होलेंड्रिक जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको इन प्रकट कर देता हूँ, आगे जा रहा हूँ, ठीक है। जो वाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं जीन, वाई क्रोमोसोम्स पर जो जीन पाए जाते हैं, इन जीन्स को होलेंड्रिक जीन्स कहते हैं, होलेंड्रिक जीन्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो एक्स गुणसूत्र पर जीन्स पाए जाते हैं, जिनकी उपस्थिति अत्यंत कम होने के कारण वाई गुणसूत्र को आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय या
कम सक्रिय माना गया है, ये मैंने उसमें भी बताया था, छोटा माना जाता है इसको, ठीक है, कम सक्रिय बताया जाता है इसको। एक्स और वाई गुणसूत्र आपस में होमोलॉगस नहीं होते, एक्स और वाई गुणसूत्र आपस में होमोलॉगस नहीं होते, आपको पता है, इनके बीच जींस का विनिमय नहीं होता, समझाता है इसलिए, सॉरी समझात नहीं है, होमोलॉगस नहीं इसलिए जींस का एक्सचेंज नहीं होता। जो लिंग संलग्न वंशागति है उसकी खोज मॉर्गन ने 1910 में डासोफिला में कर दिया था। उन्होंने बताया था कि मक्खी में आंख का रंग जो प्रभावित होता है वो जिन लिंग संलग्नता प्रदर्शित करता है। लिंग संलग्न प्रदर्शित करने वाले लक्षणों के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं जो लिंग से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लक्षण जो लिंग संलग्न गुणसूत्र के कारण होता है लिंग संलग्न लक्षण कहलाता है, ठीक है। एक होता है कुछ जींस जो दोनों लिंग वाले जीव में उपस्थित होते हैं परंतु आवश्यकता अनुसार किसी एक ही लिंग में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में देखे होंगे या दूसरे अदर मैमल्स में आपने देखे होंगे, मादा में जो दुग्ध का श्रावण करता है वो अलग प्रकार की जीन के द्वारा रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है। स्तन या मेमरी ग्लैंड तो सभी में पाई जाती है, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन डेवलप किस में होता है, केवल फीमेल में होता है। लिंग प्रभावित लक्षण भी आता है इसमें, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स के रूप में देखते हैं, ये कुछ ऐसे जींस के द्वारा प्रभावित नहीं होते बल्कि हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं लिंग प्रभावित लक्षण में। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में महिलाओं की आवाज़ का पतला होना, पतली आवाज़, पुरुषों में दाढ़ी मुंचकाना, गंजापन होना, ये आदि विशिष्ट लिंग द्वारा प्रभावित होते हैं। ये नर में ऑटोसोमल प्रभाविता परंतु मादा में ऑटोसोमल अप्रभाविता प्रदर्शित करती है। लिंग संलग्नता वंशागतिकी में मैं आगे जा रहा हूँ और जो एग्जाम्पल मैं शो करने जा रहा हूँ वहाँ पर आपको मिलेगा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अगर समय रहा तो मैं इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी बताऊँगा, हीमोफीलिया दोनों को बताऊँगा। पहले मैं जा रहा हूँ हीमोफीलिया पर, ठीक है। हीमोफीलिया, ठीक है, काफ़ी पावरफुल कंटेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। हीमोफीलिया एक ऐसा खतरनाक रोग है जो मनुष्यों में पाई जाती है, काफ़ी जानलेवा हो सकती है। जिस व्यक्ति में ये रोग होता है उस व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, याद रखना, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ये याद रखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होती है, नहीं होती है। याद रखें, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, मतलब एक अत्यंत घातक रोग है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। शरीर में कहीं भी अगर चोट लग जाता है तो रक्त निकलती है, लगातार ब्लड निकलती है, रुकने का नाम ही नहीं लेता शरीर, इस धीरे धीरे करके 8 से 12 घंटे के दौरान सारे ब्लड शरीर से बाहर निकल जाएगा क्लॉट नहीं होने के कारण, फलस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस रोग का नाम है हीमोफीलिया रोग का एक और नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीडर्स रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीडर्स डिसीज बोलते हैं, ब्लीडर्स डिसीज बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए जो ब्लीडर्स डिसीज है, सबसे पहले विक्टोरिया की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था, एक शाही परिवार को हुआ था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। उनको था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को था प्रथम, सॉरी हाँ विक्टोरिया को था, और उसके बाद से पूरे यूरोप के शाही घराने में फैल गई, वहाँ से पूरे विश्व में फैली थी, रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है इसको, याद रखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्रकार आता है उसको बोलते हैं हम लोग, देर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, फर्स्ट हीमोफीलिया ए, ठीक है, और सेकंड इसमें होता है हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी, दो प्रकार के इसमें पाई होने वाली कंटेंट है। ये जो हीमोफीलिया ए होता है ये एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है, किस लिए होता है ये, एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन फैक्टर की कमी के कारण, ग्लोब्यूलिन फैक्टर की कमी के कारण, ये ऐसा लिखते हैं इसको, इसकी अनुपस्थिति से ये अब्सेंट होता है, इसलिए हीमोफीलिया ए हो जाता है। और जो हीमोफीलिया बी होती है, ये हीमोफीलिया बी, इसमें जो ब्लड होती है, ब्लड के जो प्लाज्मा होते हैं उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन का अभाव होता है, किसका अभाव होता है, थ्रोम्बो
प्रोस्टिन का अभाव होता है, इसकी कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता, फलस्वरूप रक्त लगातार बाहर निकलते रहती है। एग्जाम में अगर आता है हीमोफीलिया का वर्णन करें तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले लिंग संलग्न वंशागतिकी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद इसको क्लियरली लाइन से बताते जाएंगे। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ कि इसकी वंशागतिकी कैसे होती है, हीमोफीलिया की वंशागतिकी कैसे होती है, इनहेरिटेंस कैसे होता है। ये देखिए इनहेरिटेंस ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसी कंटेंट से मैं आगे जस्ट आपको कलर ब्लाइंडनेस भी बता दूंगा, आप पूरी चीज़ें एक साथ समझ लेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो बाद में, इसलिए मैं एक साथ बताऊंगा दोनों को। ठीक है, पहले हीमोफीलिया का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर। हीमोफीलिया का जो एग्जांपल मिलता है आपको इनहेरिटेंस में, एग्जांपल के पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हीमोफीलिया पैदा करने वाले जो अप्रभावी जीन है, ठीक है, हीमोफीलिक जो अप्रभावी जीन है, जो रेसेसिव जीन है, हीमोफीलिक रेसेसिव जीन है, वो हमेशा ये ऐसा शो करेंगे, हम उसको स्मॉल एच से शो करेंगे, याद रखना। हीमोफीलिक अप्रभावी जो जीन है स्मॉल एच से प्रदर्शित करेंगे, जो कि हमेशा एक एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती है, मतलब एक्स गुणसूत्र पर ही पाई जाती है। मतलब ये अगर अपना प्रभाव दिखाएगा, इसको अगर रहने के लिए कोई होस्ट मिलेगा तो वो एक्स गुणसूत्र मिलेगा, याद रखना, एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाएगा। सामान्य एलील्स जो होता है कैपिटल एच ऐसा लिखा जाता है, वाइल्ड टाइप एलील एच की उपस्थिति में ये अपना असर नहीं दिखा पाता। ये इसलिए अपना असर नहीं दिखाता क्योंकि यहाँ पर एक सामान्य जीन वो एच ये नॉर्मल जीन यहाँ पर उपस्थित रहता है एक्स क्रोमोसोम में, इसलिए ये अपनी प्रभाव नहीं दिखा पाता। ठीक है, यही कारण है कि जब किसी महिला के, आपने पता है, आपको पता होगा कि फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 2x क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो एक में नॉर्मल जीन है एच और दूसरे में स्मॉल एच होने की वजह से, अर्थात हीमोफीलिया के जीन होने के कारण, मतलब ये प्रभावी अप्रभावी को दबा कर रखता है, उसके गुणों को अभिव्यक्त नहीं होने देता, अर्थात एक पर एक स्मॉल एच, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखते हैं अपन एक एक्स एच एंड देन एक एक्स कैपिटल एच, ऐसा लिखूँ मैं, तो इसमें जो एक एच है दूसरे पर एच जीन है एलील हो तो उसमें हीमोफीलिया के लक्षण दिखाई नहीं देते, और ऐसी महिला को हम यहाँ पर कैरियर कहते हैं। क्या कहेंगे? कैरियर या वाहक कहते हैं, ये याद रखेंगे, क्योंकि इसमें रोग को अगली पीढ़ी में पहुँचाने की क्षमता तो पाई जाती है लेकिन ये रोगी नहीं होती। लेकिन सेकेंड आप देखते हैं जो मेल बींग्स होते हैं, मनुष्य समुदाय में जो नर योनि होते हैं उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होने के कारण इसके जो अप्रभावी एलील है वो एक एक्स में रहता है, और एक एक्स में रहने के कारण ये हमेशा डिसीज्ड कहलाती है, रोगग्रस्त कहलाती है। क्लियर है? ये रोगी कहलाएगा। दूसरे पुरुष के एक एक्स में अगर वो जीन पाया जाता है तो क्या कहेंगे? डिजीज कहलाएगा। वाई पर हीमोफीलिया पैदा करने वाले किसी भी प्रकार के लिंग से लगने वाले जीन्स नहीं पाए जाते, याद रखना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र पर एक एच जीन उपस्थित है, मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो ये पुरुष हीमोफीलिक या डिजीज्ड हीमोफीलिक कहलाएगा, रोगग्रस्त पुरुष कहलाएगा। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागतिकी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए बड़े गौर से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दो एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन द प्रोजेनी ऑफ अ नॉर्मल मेन एंड कैरियर फीमेल। ठीक है, ये मैं जो ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल की उत्पन्न संतान की वंशागतिकी क्या होगी। सिंपल है, अब इसको हम गैमेट के रूप में शो करते हैं। नॉर्मल मेन, चलो लिखते हैं यहाँ पर एक गुणसूत्र, वुमेन कैरियर की बात कर रहे हैं हम लोग, कैरियर फीमेल, तो कैरियर फीमेल को कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स, और इसमें आपको एक जीन दिखाई देगा, ये होगा स्मॉल एच। क्लियर है, ये हो गया कैरियर फीमेल, और नॉर्मल मेल कैसे होगा, सिंपल एक्स एंड देन वाई होगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वुमेन लिखना जरूरी है, याद रखेंगे, कैरियर, कई लोग आधे अधूरे बना देते हैं इसको, आधे अधूरे बनाने की वजह से नंबर कट जाते हैं नॉर्मल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो देंगे आप वर्णन करेंगे इसी को देख के ही तो करेंगे ना, इसलिए पूरा लिखना जरूरी है। पेरेंट्स,
यह पेरेंट्स, ठीक है। इससे दो जीन, आप दो गुणसूत्र देख रहे हैं, इसमें भी दो गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, देख ले, ये होमोलोगस है, ये हेट्रोजाइगस है, या हेट्रोजाइगस है, हेट्रोलोगस है, ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर दो जीन गैमेट के रूप में प्राप्त होगा, कितने जीन, मतलब दो क्रोमोजोम गैमेट के रूप में प्राप्त होगा, फर्स्ट एक सिंपल एक्स एंड देन एक एक्स, और जो अप्रभावित जीन है हीमोफीलिया के वो, ठीक है। और इसमें क्या प्राप्त होगा, सिंपल एक एक्स और एक वाई ही प्राप्त होगा, ठीक है। आप देख के आप इसको समझ सकते हैं क्लियरली, ठीक है। इस प्रकार के आपको गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एग हो गया, ये क्या है, ये एग है, और ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। दोनों के बीच में क्रॉस होगा, जब क्रॉस होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, ठीक है। इसका पहले इसके साथ में क्रॉस होगा, एक्स एक्स एंड देन एक्स, क्लियर है फर्स्ट, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसका क्रॉस, अब इस एक्स का क्रॉस हम इस वाई के साथ में करा दें, एक एक्स और एक वाई, लेकिन ये एक्स कैसा था, इस पर कौन सा जीन था, अप्रभावी हीमोफिलिक जीन था, ठीक है। तो ये इस प्रकार की संतति आपको मिली, दूसरा, ठीक है। तीसरा बचा क्या, इन दोनों का क्रॉस हमने इन दोनों के साथ में करा दिया, ठीक है। इसका क्रॉस एक्स के साथ में कराया था, अब इसका क्रॉस वाई के साथ में कराएंगे, ठीक है। इसका क्रॉस, फिर हम पहले ये काम करते हैं, एक एक्स का क्रॉस इसके साथ में कराते हैं, ये एक्स का क्रॉस इसके साथ में कराते हैं, एक एक्स, और ये हो गया एक हीमोफिलिक जीन वाला, एंड देन नेक्स्ट एक्स, ठीक है, ये दूसरी संतति, ठीक है। तीसरी देखिए, क्रॉस किसके बीच में होगा, कहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। इसका क्रॉस हम कराएंगे एक्स का एक्स के साथ में, जो हमने कराए हैं, एक्स का एक्स के साथ में पहले कराया तो डबल एक्स आया, कहने का मतलब एक संतति यहाँ पर डॉटर, नॉर्मल डॉटर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, इसका क्रॉस वाई के साथ में कराया, मतलब इन दोनों को क्रॉस हम दोनों के साथ में करा लिया। अब इसका क्रॉस किसके साथ में कराएंगे, पहले हम एक्स के साथ में कराते हैं, और इसका क्रॉस हम फिर वाई के साथ में कराएंगे, ये चौथा, देखिए एक्स और वाई, ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब पढ़ना तो आएगा ही आपको, पढ़िए, ये क्या है, डबल एक्स है, मतलब ये क्या है, फीमेल है, मतलब ये है डॉटर, डॉटर कैसा है, नॉर्मल डॉटर है, ठीक है। और ये एक एक्स, एक प्रभावी जीन दिखाई दे रहा है, एक्स वाई है, तो क्या है, ये जो बनेंगे एक्स एच, और ये क्या है, सन, कौन सा सन है, ये पुत्र जो बनेगा ये कैसा है, हीमोफिलिक है, रोगग्रस्त दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि एक ही एक्स गुणसूत्र है, एक तो वो प्रभावी हो जाता है, उसको दबाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये हीमोफिलिक हो गया, ठीक है। यहाँ पर डबल एक्स है, एक एक्स में एज दिखाई दे रहा है, मतलब हीमोफिलिया की जीन है, तो ये क्या होगा, ये जो डबल एक्स होने के कारण ये डॉटर हो गई, डॉटर, ठीक है। और प्रभावी जीन एक में है, तो ये क्या हो गई, कैरियर, क्या हो गई, कैरियर, याद रखेंगे। अब लास्ट में देखिए, एक्स वाई है, तो ये क्या है, सन है, ये कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल की संतान की वंशागति की हम देखते हैं, तो पहली पीढ़ी में हमको टोटल 50% डॉटर नॉर्मल और 50% डॉटर कैरियर मिलता है, ठीक है। कैसे, अगर डॉटर की बात करें, ये डॉटर और ये डॉटर, ठीक है, समझ में आया नहीं, तो दो डॉटर के बीच अगर हम तुलना करें, 100% डॉटर, मतलब दो डॉटर को 100% माने, तो 50% नॉर्मल और 50% कैरियर मिलेंगे। अब ठीक वैसे ही हम दूसरे की तुलना करें, सन की तुलना करें, ये सन की, ठीक है, तो ये सन में क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए इसके जो जीन है, सन में जो जीन है, ये 50% हीमोफिलिक और 50% नॉर्मल सन पैदा होने की वंशगति की होगी या संभावनाएं होगी, क्लियर है। इसको आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। ठीक ऐसे ही आप दूसरे और क्रॉस करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल लिए, अब यहाँ पर एक काम करें, हीमोफिलिक फीमेल लेंगे। हीमोफिलिक फीमेल लेने के लिए क्या करेंगे आप लोग, हीमोफिलिक फीमेल लेना है तो आप इसमें डबल जीन शो करेंगे, डबल एच शो करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक स्त्री, और इसको नॉर्मल कर दीजिए आप, अभी कैरियर है तो इसको हीमोफिलिक कर दीजिए, तो डबल एच आपको यहाँ पर दिखाई देगा जीन, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कैसे जीन को इसमें अप्लाई करना है, उसके बाद में क्रॉस कराना है, आपको देखना है कि क्या प्राप्त हो रहा है, क्लियर है। तो इसमें आप चार प्रकार की कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं, एक नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल की,
ठीक है। नेक्स्ट, और आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मल फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल की, नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल की। थर्ड इसमें आप कर सकते हैं कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक मेल की। और फोर्थ आप कर सकते हैं जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, हीमोफिलिक फीमेल और नॉर्मल मेल की बीच इनहेरिटेंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। चार स्थिति इसमें बनेगी, ध्यान रखेंगे चार में से कोई भी स्थिति अगर पेपर में आया तो आपको ये बनाने आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। नॉर्मल मेल के लिए क्या है, XXH, ठीक है। मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक जीन के लिए कीवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, बी नंबर में अगर मैं कहूँ कि हीमोफिलिक फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल है, तो उसके लिए आप ये इस प्रकार से लिखेंगे XH एंड देन XH, इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है, का संकरण की संतान अगर आप प्राप्त करेंगे नॉर्मल मेल से, नॉर्मल मेल के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल X और Y लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर का जो स्थिति इसमें बनता है वो इस प्रकार से बनता है, इसमें कैरियर फीमेल वाहक फीमेल, आप समझ सकते हैं कैरियर मतलब एक एक्स में एच रहेगा और एक एक्स खाली रहेगा, ठीक है। एंड ये हो गया कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक मेल मतलब एक एक्स है तो एक एक्स में ही एच या इसके अप्रभावी जीन आपको दिखाई देगा, ठीक है। और तीसरा जो आएगा इसमें, तीसरा के बाद चौथा जो करेक्टर बनेगा या जो वंशगति की होने की संभावना रहेगी वो होगी नॉर्मल फीमेल के लिए एक्स और एक्स, ये नॉर्मल, एंड इसका क्रॉस अप कराएंगे हीमोफिलिक मेल से मतलब एक्स एच एंड देन वाई, ये ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए मैंने सारे के लिए वो कारक या एलील्स शो कर दिए हैं, जीन शो कर दीजिए, अब इसके हिसाब से क्रॉस करा के आप उत्पन्न होने वाले संतान की वंशागति की आप देख सकते हैं, इसको बना के देखिए, ठीक है। कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में आगे लेकर चलता हूं और फटाक से कलर ब्लाइंडनेस बता देता हूं, क्योंकि हीमोफीलिया आपने देखा है डाउटफुल रहते हैं कई लोग कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा। सेम प्रोसीजर होगा कलर ब्लाइंडनेस में, बस वहां पर कंटेंट बदल जाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस भी सेम ही होगा यहां वहां पर, याद रखेंगे कैसे क्रॉस सेम होगा बता देता हूं आपको। यहां पर हमने एच अप्रभावी जीन जो एक्स पर शो किया है वहां पर कलर ब्लाइंडनेस होने के कारण स्मॉल सी शो करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो मैं बात करता हूं अब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, जो कि लिंग संलग्न वंशगतिकी में जो सेकंड आता है इसमें वो है कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसा मैं इसको डिवाइड कर देते हूं, कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, वर्णांधता। इसमें भी सेम कंटेंट चला आएगा, याद रखेंगे कि मनुष्य में पाई जाने वाली ये भी एक लिंग संलग्न वंशगतिकी है जिसमें व्यक्ति दो मिलते जुलते रंगों में डिफरेंस नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता। ये कई प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होती है रेड, सामान्य प्रकार की जो वर्णांधता की बात करते हैं ये रेड ग्रीन से संबंधित होती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस सी भी, ठीक है, ऐसा होती है, ठीक है। ये सामान्य प्रकार की वर्णांधता, इसमें व्यक्ति को, अब देखो रेड ग्रीन लिखा हो मतलब याद रखे व्यक्ति लाल और ग्रीन रंग नहीं देख पाएगा, मतलब रोगी को लाल तथा हरा दोनों रंग नहीं दिखेगा, या तो लाल दिखेगा तो ग्रीन नहीं दिखेगा, ग्रीन दिखेगा तो लाल नहीं दिखेगा। पहली स्थिति अगर हरी स्थिति वाली आ गई लाल तथा हरा दोनों रंग अगर दिखता है मतलब हरी वर्णांधता, और दूसरी स्थिति लाल वर्णांधता कहलाएगी, याद रखना। जो जैसे रेड कलर अगर नहीं दिख रहा है तो इसको बोलते हैं रेड कलर, रेड ब्लाइंडनेस अगर दिखता है, रेड नहीं दिखता तो इसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं रेड ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अगर ग्रीन वाली हो गई तो ये कहलाता है ग्रीन ब्लाइंडनेस या ड्यूटेरानोपिया, ये याद रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ठीक है। अब इसमें भी अब आगे चलते हैं, हेरिडिटी कैसे होगी, ये जो इसके भी जो प्रभावी अप्रभावी जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो जीन हम लोग शो करते हैं वो स्मॉल सी से शो करते हैं, लाइक इस एक एक्स
और ये स्मॉल सी के रूप में शो करेंगे, इस रूप में शो करेंगे, याद रखना। यह प्रभावी जीन होते हैं, ठीक है। स्त्री में आपको पता है कि डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिसके कारण एक में कैपिटल सी मतलब प्रभावी जीन होते हैं, इसलिए सी अर्थात स्मॉल सी के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को दबा के रखती है। इसलिए जो महिलाएं होती हैं इसमें भी सिर्फ वाहक होंगी, कैरियर होंगी, लेकिन आपको पता है कि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो पुरुष हमेशा डिजीज्ड होंगे या रोगग्रस्त होंगे या कलर ब्लाइंड होंगे, याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। तो सेम प्रकार का कंटेंट इसमें भी मैंने बताया, ध्यान में रखेंगे। इसकी इनहेरिटेंस को मैंने बताया था, इसमें जो अप्रभावी जीन है वो भी कैसे होंगे, इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें भी जो रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जो जीन है वो स्मॉल सी के रूप में होंगे, और जो नॉर्मल जो जीन है वो कैपिटल सी के रूप में होंगे, स्मॉल सी और ये कैपिटल सी के रूप में होंगे, याद रखना, क्लियर है। अगर फीमेल है तो आपको पता है कि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम में इसके प्रभावी जीन उपस्थित होता है, सी उपस्थित होता है, तो ये क्या होंगी, कैरियर होंगी, इसमें भी सेम, ठीक है। अगर मेल है तो आपको पता है मेल में एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र होने के कारण इसे में इसके अप्रभावी जीन होंगे और ये हो जाएंगे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, मतलब रोगग्रस्त हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, ब्लाइंड, क्लियर है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब आगे मैं इसमें इनहेरिटेंस बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इनहेरिटेंस को, ठीक है। तो जैसे हीमोफीलिया में होता है चार प्रकार की स्थिति बनती है, वो चार प्रकार की स्थिति कलर ब्लाइंड में भी बनती है। एक स्थिति का वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए, आपकी समझने के लिए, वह है कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल से उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति की, इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोगेनी ऑफ कलर ब्लाइंड मेल एंड फीमेल फीमेल नॉर्मल फीमेल, ठीक है। कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल की इनहेरिटेंस क्या होगी, देखिए सिंपल है, गैमेट से हम एक्सप्लेन करते हैं फटाफट, ठीक है। आपने पढ़ा कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक मेल है, ये एक्स कलर ब्लाइंड बोला जा रहा है, मतलब इसमें अप्रभावी जीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, स्मॉल सी, ठीक है, और ये आपके वाई, ठीक है। ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया, सी ओ एल ओ यू, कलर ब्लाइंड मैन हो गया, ये एक पेरेंट हुआ, ठीक है। इधर दूसरा पेरेंट नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल एक्स एंड देन एक्स के रूप में, ठीक है। यहाँ से गैमेट क्या बनेंगे देख सकते हैं आप लोग, इसमें एक एक्स अलग अलग, ये एग क्या बोलते हैं इसको, एग, इसमें एक एक्स एंड देन वाई, और जो एक्स है इसमें वो स्मॉल सी वाला मतलब हीमोफीलिया वाले रहेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार के, ठीक है। क्रॉस होगा फर्स्ट जनरेशन में, ये हो गया गैमिट, गैमिट्स, ठीक है, फैला, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स एंड देन ये जो जीन है ये यहाँ पर हम शो करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक ठीक है। सेकेंड मैं यहीं पर शो कर रहा हूँ, इसके साथ में क्रॉस करा रहा हूँ, इसी का वाई के साथ में, एक एक्स और एक वाई दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहा है, कोई जीन नहीं दिखाई दे रहा इसमें। अब इस एक्स का, इस एक्स के साथ में, तो एक्स एंड देन एक्स, ये एक्स में जीन आपको शो करना पड़ेगा, इसके कारण ये सी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कैरियर दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं, आप कैसे दिखाई दे रहा है आपको, कैरियर दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब लास्ट में देखिए, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये हो गया सिंपल, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपको डॉटर मिलेंगे वो कम्प्लीटली 100% 100% 50% 50% 100% डॉटर जो होंगी कैसे दिखाई दे रही, कैरियर दिखाई दे रही हैं, कैसे दिखाई दे रही हैं, कैरियर। और जो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, मेल है, सन, ये जो सन है पुत्र है, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यदि
हम पहली पीढ़ी के लिए ये गैमेट प्राप्त करते हैं कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच में, तो 100% मतलब जो दो डॉटर होंगे वो कैरियर होने की पूरी संभावनाएं होंगी, और जो सन होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल सन 100% होने की संभावनाएं रहेंगी। क्लियर है? लेकिन आप चारों में आप देख सकते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि 50% जो डॉटर होंगी कैरियर और 50% जो होंगी सन नॉर्मल होंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसमें भी वो तीन स्थितियां बनती है, वो तीन स्थिति का वर्णन मैं कर देता हूं, आप आराम से बना बना के देखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिए इसको बना के, ठीक है। एक कंडीशन होता है जिसमें हम लोग कहेंगे कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल एंड कैरियर फीमेल, अच्छा गैमेट इसमें शो कर देता हूँ, फीमेल कैरियर फीमेल के लिए कैसे लिखेंगे, कैपिटल एक्स एंड देन सी वाला, ये कैरियर फीमेल हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे, कलर ब्लाइंड मेल में, मेल में एक्स, सॉरी एक्स वाई, ये वाई है ना, याद रखेंगे, हाँ ये एक्स वाई, और एक्स में उसके जीन, ये हो गए कलर ब्लाइंड, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति इसमें ये बनती है कि एक होता कैरियर फीमेल, सॉरी मेल से शुरू करें तो मेल ही लिखेंगे पहले, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल के लिए एक्स वाई एंड क्या बोल रहा था मैं, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल के लिए एक्स एक्स एंड देन सी, ये कैरियर फीमेल। लास्ट इसमें जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, कलर कलर ब्लाइंड वुमेन, कलर ब्लाइंड वुमेन, देखिए स्थिति बदल गई, कलर ब्लाइंड वुमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, वर्णांध स्त्री, मतलब दोनों में इसके प्रभावी जीन होंगे, ये देखिए, एंड लास्ट नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, ये कैसा होगा, एक्स और वाई होगा, ठीक है। तो इसमें आप आगे इसकी हेरिडिटी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इसको बना के जरूर देखना। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को, बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। इसको बना बना के आप देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, डिसऑर्डर पूछा जाता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पूछा जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर पूछा जाता है, तो आप हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के एग्जाम्पल से बता सकते हैं, आप इसको शो कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे आप लोग, एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए अपडेट आपको प्राप्त हो। वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।